वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से अखिलेश यादव के खेमे में उठा पटक जारी है। पहले जयंत चौधरी की आजम खान के परिवार से मुलाकात के बाद अब सीतापुर जेल में आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है। इसे लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि आजम खान सपा नेता अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। यूपी चुनाव 2022 का रिजल्ट आने के बाद से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसकी शुरुआत 26 मार्च से हुई थी, जब सपा विधायकों की बैठक में शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया गया। इसके बाद उनका सीएम योगी से मिलना और योगी की कामों में तारीफ करना सपा मुखिया को पसंद नहीं आ रहा है। 20 अप्रैल को आगरा में शिवपाल से जुड़ा सवाल जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भाजपा से मिलेगा वो सपा में नहीं दिखेगा। इसके बाद शिवपाल ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो वो मुझे पार्टी से निकाल दें। इन नाराजगियों के बीच शिवपाल यादव ने आजम खान से सीतापुर जेल में करीब एक घंटे तक मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बाहर निकले शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आजम खान को राजनीति का लंबा अनुभव है, मैं उन्हें सीनियर नेता के तौर पर देखता हूं। शिवपाल ने कहा कि सही समय का इंतजार करिए, सही समय आने पर सारी बातें बताई जाएंगी। समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है, ये दुर्भाग्य है। तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था, और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी नेताजी की बहुत नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दो दिनों पहले ही रामपुर पहुंचकर आजम खान के बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम से उनके आवास पर मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब एक घंटे तक बातचीत चली थी। मुलाकात के बाद जयंत ने कहा कि यूपी को नया राजनीतिक विकल्प देना होगा। वहीं AIMIM की तरफ से आजम खान को पार्टी में शामिल होकर प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। तो ये थी शिवपाल आजम की मुलाकात पर हमारी रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए, साथ ही पूरे मामले पर आपकी क्या विचार है कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।